Find the slope of the line joining the points minus 2 comma 5 and 4 comma minus 7. तो एक काफी सिंपल क्वेश्चन, कैसे आप एक लाइन का स्लोप पता लगाते हैं, वो चीज यहां पर आपको डिकोड करनी है. तो एक लाइन जो आपको बताया जाए कि कोई दो गिवन पॉइंट से गुजरती है, उस लाइन का स्लोप क्या होगा. तो स्लोप का एक काफी सिंपल सा फॉर्मूला होता है, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. सो सिंपली मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट अप करनी है और मुझे मेरा स्लोप यहां पर मिल चुका होगा. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये है मेरे x2 y2 और ये है मेरे x1 y1. तो सबसे पहले मुझे y2 लिखना है विच इज माइनस 7, तो मैं यहां लिख दूंगा y2 की जगह पर माइनस 7. फिर मुझे माइनस में लिखना है y1 जिसकी वैल्यू है 5, तो यहां आ जाएगा 5 ओनली. नेक्स्ट मुझे x2 लिखना है जिसकी वैल्यू है 4, और फिर माइनस में x1 जिसकी वैल्यू है माइनस 2, तो थोड़ा सा केयरफुली मुझे यहां माइनस 2 लिखना होगा. Which gives me what? Minus 7 and minus 5 makes it minus 12. And 4 minus minus 2 becomes 4 plus 2, which is 6. And minus 12 divided by 6 is definitely minus 2. So the required slope for the line is minus 2. That is option A.